अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSIT न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक, पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। FSIT सिक्योरिटी सिस्टम्स, वी प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ CCTV कैमरा सेल्स एंड सर्विसेज इन होलसेल प्राइसेस। FSIT सिक्योरिटी सिस्टम्स, अपोजिट चाचा बुट्टा मस्जिद, महबूब नगर। अखिलियतों को रोजगार से मरबूत करने के लिए कर्ज स्कीम के खदोखाल तय कर दिए गए हैं। इम्तियाज़ इसहाक सदर नशीन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अपने दफ्तर वाक़े हज हाउस में एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से रोज़गार से मरबूत कर्ज के स्कीम के लिए 50 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। तो इम्तियाज़ इसहाक ने मजीद इस रकमी मंजूरी के लिए चीफ मिनिस्टर KCR से भी इजहार तशक्कुर किया और बताया कि उसूल कर्ज के लिए ख्वाहिशमंद नौजवान किसी भी मी सेवा सेंटर पर जाकर ऑनलाइन तरीके से दरख्वास्त दाखिल करें। जारिया माह की 19 तारीख से ये दरख्वास्त दाखिल की जा सकती हैं और दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 जनवरी होगी। इन्होंने मजीद कहा कि कर्ज हासिल करने के लिए इस्तेफादा कुनंदा की हद उम्र 21 साल तक 55 साल है। इस्तेफादा कुनंदा को अखिलियती तबके से होना लाजमी है और इनकम सर्टिफिकेट का भी होना लाजमी है। देहाती इलाके के इस्तेफादा कुनिंदागान की सालाना आमदनी 1,50,000 और शहरी इलाकों के लिए हद आमदनी 2,00,000 मुकर्रर की गई है। इस खसूस में एक हेल्पलाइन नंबर 7337534111 जारी किया गया है। तफसीलात के लिए इस नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिन से काफ़ी नौजवान इकोनॉमिकली सपोर्ट स्कीम के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तेलंगाना हुकूमत के जानिब से 50 करोड़ की स्कीम 19 तारीख से ऑनलाइन शुरू होगी। 50 करोड़ को रिलीज़ करने के लिए हमारे हनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है स्टेप बाय स्टेप कम्युनिटी में डेवलप करने के लिए जो स्कीमत आप ला रहे हैं वो काबिल सुताइश है। क्योंकि पहले तो आपने टेम्बरीज खोल के जो है बच्चों को तालीम देने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ा काम है वो। उसके बाद जो है गरीब बच्चियों की शादी के लिए शादी मुबारक जैसी स्कीम आपने लाई। उसके बाद जो है बहुत से लोग जो है बैरूनी ममालिक जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी आपने जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप लेके आई। ऐसे बहुत से स्कीमात है जो माइनॉरिटी के लिए जो है बहुत ही काम कर रहे हैं, अच्छे स्कीम्स हैं बहुत। तो अभी नौजवानों के लिए जो बेरोज़गार हैं, जो नौजवान छोटे मोटे कारोबार करके जो है अपने घर को जो है पाल पोस के बड़ा करना चाहते हैं, वैसे स्कीमात के लिए अभी जो है इकोनॉमिकली सपोर्ट के लिए 50 करोड़ का जो है स्कीम जो है कैटेगरी 1,80% सब्सिडी, कैटेगरी 2,70% सब्सिडी के तहत शुरू किया गया है। ऑनलाइन में जो है इसको जो है जो जो भी आप बिज़नेस कैटेगरीज है वो ऑनलाइन में रखा जाएगा। आप उसको देख के आप कौन सा बिज़नेस करना चाहते हैं उसको आप देख के सिलेक्शन करके अप्लाई कीजिए। मैं फिर एक बार आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि जो है फेक मैसेजेस बना के जो है फेक डॉक्यूमेंट्स बना के जो है ग्रुपा में डाला जा रहा है उसको आप बिलीव मत कीजिए। और जो है मी सेवा वाले इनकम सर्टिफिकेट के लिए बहुत से पैसे ले रहे हैं ये सुनने में आ रहा है। मी सेवा वालों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप की जो फीस है वही फीस लिया जाए। अगर किसी के पास अगर ज़्यादा पैसे लिए बल्कि अगर कंप्लेंट आए तो आप लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और बीच में जो है ये जो मीडिएटर होते हैं जो ब्रोकर्स होते हैं उन पर आप यकीन ना करें। और ये किसी के हाथ में नहीं है आपको लोन दिलाते बल्कि बोले तो गलत बात है। ये आपको जो है सिलेक्शन आप अप्लाई कर लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। जो फील्ड ऑफिसर आएगा DMW ऑफिस से तो वो सिलेक्शन कमेटी कलेक्टर साहब होंगे, DMW और जो है टीम होगी वो सिलेक्शन कमेटी करेगी, सेलेक्ट करेगी। उसी में किसी का हाथ नहीं होगा और किसी के बोलने पे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर बीच में कोई अगर बीच में मेटर आके बोल रहा मैं सिलेक्शन कराता हूँ उसको बिलीव मत कीजिए। और अपने आप किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। ये स्कीम KCR साहब चाहते हैं जितने भी घरों को 5,000 फैमिलीज़ को जो है ये स्कीम पहुंचना चाहिए, गरीब हकदार जो इस ये लोन पहुंचना चाहिए, हमारे के हुकूमत का KCR साहब का ये मुतालबा है। तो लिहाजा जो है मैं सबसे अपील करता हूं फिर एक बार कि 2 हफ्ते में जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दीजिए आप। आपको सिलेक्शन के लिए जो टीम आएगी वो सिलेक्ट करेगी, जो जो डॉक्यूमेंट्स वो पूछते हैं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछेंगे, बहुत ईजी किया गया है। एक तो आप बैंक कंसर्न लेटर लीजिए, अगर बैंक कंसर्न लेटर अगर नहीं मिल रहा है तो कैंडिडेट शेयर होगा,
कि आप जो मार्जिन अमाउंट होगा, जो मार्जिन परसेंटेज होगा 20%, 30%, आप खुद डीडी बनाकर जो है कलेक्टर और जो है डीएमडब्ल्यू के नाम पर जो है वो डीडी दे सकते हैं। तो वो डीडी देने के बाद जो है वो लिस्ट तैयार करके इंक्वायरी करने के बाद आपका जो है ये होगा, ये वेबसाइट होगा, ये वेबसाइट पर जो है आप एप्लीकेशन करना चाहिए। दूसरा, किसी वेबसाइट पर आप मत जाइए, धोखा मत खाइए, क्योंकि बहुत से गरीब लोग जो है धोखा खाकर परेशान होते हैं। मैं गरीब नौजवानों से, जो गरीब बेरोज़गार है, उनसे मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है फेक ग्रुप्स में जो मैसेज आते हैं उनको बिलीव मत कीजिए। सिर्फ गवर्नमेंट के जो है इस वेबसाइट को और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर ही एप्लीकेशन डालिए। तो और जो है कैंडिडेट शेयर जो भी होगा, आप अगर आपकी सकत है शेयर बन कैंडिडेट का जो शेयर होगा 20%, वो आप खुद डीडी बनवा सकते हैं बैंक लेटर नहीं मिलने की सूरत में। आप छोटे मोटे बिजनेस के तहत आप शुरुआत कीजिए। हुकूमत आपके हिम्मत अफजाई के लिए आगे और भी स्कीम्स लाने वाले हैं। ये 50 करोड़ से तो अभी शुरू होगा, अनखरीब में अभी एक सेकंड फेज फीस नया शुरू करेंगे हम लोग। तो मैं ये आप सबसे गुजारिश करता हूँ, खासकर हमारे KCR साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे KTR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर कोपुलेश्वर साहब, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर साहब का, महमूद अली साहब का, AK खान साहब का, अहमद नदीम साहब का, और शाहनवाज खासिम साहब का, और हमारे MD मैडम जॉन वेस्ली मैडम का, कांति वेस्ली मैडम का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।